हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद सुप्रिया। आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 11 का फर्स्ट यूनिट है। इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लिविंग। Living is something which is alive, something that can grow, move, etc. Correct? हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ grow कर रही है वो alive है, ठीक है। हम इसके characters से समझते हैं कि what is living। इसके कुछ characters हैं growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness। ओके, सबसे पहले हम लोग ग्रोथ को समझते हैं। क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? ग्रोथ के दो कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इंक्रीज इन मास एंड सेकंड वन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इंक्रीज इन मास मीन्स जब ऑर्गेनिज्म के मास में इंक्रीज होता है तब हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है। अगर एक ऑर्गेनिज्म के पास कुछ सेल्स हैं और सेल्स मल्टीप्लाई करती है और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा देती है तब हम कहते हैं कि ग्रोथ हो रहा है ऑर्गेनिज्म में, मतलब नंबर इंडिविजुअल का बढ़ रहा है। ग्रोथ के दो टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, इसमें सेल्स अंदर से ग्रो कर रही होती है, जबकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग में होती है। टेक एन एग्जांपल, माउंटेन। अगर हमारा बॉडी मास क्राइटेरिया है ग्रोथ का तो यस, माउंटेन बाहरी मटेरियल को इकट्ठा करके ग्रो करती है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ से तो ये पता चल जाता है कि ग्रोथ से हमें ये नहीं पता चलता कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, जैसे कि इज ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो हमारा आंसर होगा नो, ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म में हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, नो। बट अगर कोई हमसे पूछे कि क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यस, इंट्रिंसिक बस इंट्रिंसिक किस में होता है, तो ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, ठीक है, क्योंकि वो इनसाइड ग्रो करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हमारा नॉन लिविंग जो है वो आउटसाइड ग्रोथ करता है। इसलिए हमारा इंट्रिंसिक ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, अब आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के दूसरे कैरेक्टर रिप्रोडक्शन के पास। रिप्रोडक्शन क्या है, तो हम जानते हैं कि प्रोजेनी का प्रोडक्शन मोर और लेस सिमिलर फीचर शो करता है अपने पेरेंट्स के, ठीक। ये दो टाइप्स के होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल मीन्स रिप्रोडक्शन विदाउट द इंट्रैक्शन ऑफ टू सेक्सेस, मतलब इसमें दोनों सेक्स को मिलकर रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें सिर्फ एक सेक्स रिप्रोडक्शन कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें दो सेक्स इन्वॉल्व रहते हैं, वो फ्यूज करते हैं और तब जाकर रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन क्या
रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। म्यूल, म्यूल क्या है? म्यूल हमारा डोंकी और हॉर्स का हाइब्रिड है और यह रिप्रोडक्शन नहीं करता। तो क्या ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? ऐसे ही इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, क्या ये रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग क्राइटेरिया है? तो नो, दिस इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अब आते हैं इसके तीसरे कैरेक्टर पर, मेटाबॉलिज्म। हम जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल से बने होते हैं। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी के लिए, एनर्जी पाने के लिए, जबकि एनाबॉलिज्म में इसमें सिंथेसिस होता है, द सिंथेसिस ऑफ ऑल कंपाउंड्स नीडेड बाय द सेल्स। ओके, सभी प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और माइक्रोब्स मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। जितने भी प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, माइक्रोब्स, सभी मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर अब ये क्लेरिफाई हो गया कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है। ओके, तो यहाँ पर आकर हम कह सकते हैं कि यस, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज द फर्स्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, हमें मिल गया। अब आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगले कैरेक्टर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की ओर। इसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने सराउंडिंग के बारे में सेंस करने की एबिलिटी होती है, जैसे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इन सब के बारे में हमें सेंस होता है। एनिमल्स भी अपने सेंस ऑर्गन्स से अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। प्लांट्स भी बाहरी फैक्टर्स को जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर आदि को रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस बारे में कोई सेंस नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इसके एक और कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, कॉन्शियसनेस। इसमें भी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर होता है, लेकिन इन सम केसेस ये बहुत डिफिकल्ट होता है बताने में कि वह लिविंग है या नॉन लिविंग। जैसे कि एक पर्सन है, वो कोमा में है, जब एक पर्सन कोमा में होता है तो उसे अपने सराउंडिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता, वहाँ क्या चल रहा है, कौन आ रहा है या कौन जा रहा है। बट अगर कोमा वाला पर्सन इंजेक्शन, ड्रग और मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करता है, दैट मीन्स तब हम कह सकते हैं कि वह पर्सन अभी अलाइव है। और अब यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस इज द ऑल्सो द डिफाइनिंग कैरेक्टर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब तक हमने जो भी पढ़ा उससे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है। ओके, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमारा लिविंग सेल्स में भी हो रहा है और नॉन लिविंग सेल्स में भी हो रहा है। बट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म
और कॉन्शियसनेस इज़ द मेन डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। कौन से? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये मेन डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल।